हाय दोस्तों, केमिस्ट्री पेज में आपका स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कैनिज़ारो रिएक्शन और मैं आपको कैनिज़ारो रिएक्शन से रिलेटेड काफी चीजें बताने वाला हूं, जैसे टाइप्स ऑफ कैनिज़ारो रिएक्शंस, मैकेनिज्म ऑफ कैनिज़ारो रिएक्शन और कौन से ऐसे कंपाउंड है जो कैनिज़ारो रिएक्शन को देते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिए और लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइए। तो हम बात करते हैं कैनिज़ारो रिएक्शन। देखिये दोस्तों, मैं आपके सामने एक रिएक्शन लिखता हूं, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा। ये फॉर्मल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल हैं। जब फॉर्मल्डिहाइड किसी कंसंट्रेटेड एल्कली की प्रेजेंस में रिएक्ट करता है तो एल्डिहाइड का एक मॉलिक्यूल एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है और दूसरा मॉलिक्यूल एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। इस तरह से ये देखिए दोस्तों, इसमें मैंने एल्डिहाइड लिया है तो एक एल्डिहाइड एल्कोहल बना देगा और दूसरा एल्डिहाइड मॉलिक्यूल कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाएगा। तो इसी रिएक्शन को हम बोलते हैं कैनिज़ारो रिएक्शन। यहां पर मैं दो एल्डिहाइड अलग लिखने के बजाय इस तरह इसको मैं लिख सकता था, इसी को हम बोलेंगे कैनिज़ारो रिएक्शन। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लीजिए। पहला, कैनिज़ारो रिएक्शन वही एल्डिहाइड्स देंगी जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा। और अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है ये मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में एक्सप्लेन करूंगा। अगर आप फॉर्मल्डिहाइड को देखोगे ये नीचे, तो इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो पहला पॉइंट आपको क्लियर हो जाना चाहिए, वही एल्डिहाइड कैनिज़ारो रिएक्शन देंगे जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा। सेकेंड पॉइंट, कैनिज़ारो रिएक्शन में एल्कली 50% यूज होता है, चाहे आप KOH यूज करो चाहे आप NaOH यूज करो। और इस रिएक्शन में मॉलिक्यूल का सेल्फ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है, जैसे कि मैंने आपको ये नीचे लिखा है, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा और एल्डिहाइड का रिडक्शन होगा तो एक एल्कोहल बनेगा जैसे मिथेनॉल है। तो इस रिएक्शन में मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज भी होता है और रिड्यूस भी होता है। जिस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ चलता है या कुछ मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होते हैं और कुछ मॉलिक्यूल रिड्यूस होते हैं, उस टाइप की रिएक्शन को हम बोलेंगे डिसप्रोपोर्शनेटिंग रिएक्शन। तो कैनिज़ारो एक डिसप्रोपोर्शनेटिंग रिएक्शन है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे कैनिज़ारो रिएक्शन के बारे में, वो आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं अल्फा हाइड्रोजन। व्हाट इज अल्फा हाइड्रोजन? जैसे मैंने आपको बताया कि वो मॉलिक्यूल जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है वही कैनिज़ारो रिएक्शन देंगे, बाकी मॉलिक्यूल कैनिज़ारो रिएक्शन नहीं देंगे। तो आइए जानते हैं अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है। देखिए दोस्तों, ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए। पहली बात, मैं आपको अल्फा कार्बन को एक्सप्लेन करूंगा, यानी कोई ऐसा कार्बन जो फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्टली अटैच्ड होता है उस कार्बन को हम बोलेंगे अल्फा कार्बन। और उस कार्बन से जुड़े हुए जितने भी हाइड्रोजन है उन हाइड्रोजन को हम बोलेंगे अल्फा हाइड्रोजन। फॉर एग्जाम्पल, ये मैंने एक एसीटोन का मॉलिक्यूल लिखा है, तो एसीटोन के केस में ये एक फंक्शनल ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप इज फंक्शनल ग्रुप, तो इस कार्बन को हम बोलेंगे अल्फा कार्बन। और इस कार्बन से ये तीन हाइड्रोजन अटैच्ड है तो इन तीन हाइड्रोजन को हम बोलेंगे अल्फा हाइड्रोजन, जैसे मैंने ऊपर एक्सप्लेन किया है। इसी तरह ये भी जो है अल्फा कार्बन होगा और इससे जुड़े हुए तीनों के तीनों हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन होंगे। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है। अल्फा कार्बन से जुड़े हुए जितने हाइड्रोजन होंगे उनको हम बोलेंगे अल्फा हाइड्रोजन। तो एसीटोन के मॉलिक्यूल में 6 अल्फा हाइड्रोजन है। इसी तरह ये एसिटल्डिहाइड है। अब देखिए दोस्तों, एल्डिहाइड में ये पूरा के पूरा फंक्शनल ग्रुप होता है और इस फंक्शनल ग्रुप से ये वाला कार्बन अटैच्ड है तो इसको हम बोलेंगे अल्फा कार्बन। और इससे जुड़े हुए तीन हाइड्रोजन है तो इसको हम बोलेंगे अल्फा हाइड्रोजन, यानी एसिटाल्डिहाइड में तीन अल्फा हाइड्रोजन है। अब देखिए दोस्तों, इस केस में जो फंक्शनल ग्रुप है वो ये वाला है, इसको हम बोलेंगे फंक्शनल ग्रुप। और फंक्शनल ग्रुप से ये वाला जो कार्बन है ये अल्फा कार्बन और ये वाला कार्बन है बीटा कार्बन। तो यहां पर केवल दो ही अल्फा हाइड्रोजन होंगे क्योंकि ये तीनों हाइड्रोजन बीटा कार्बन पे जुड़े हैं, तो ये बीटा हाइड्रोजन होंगे न कि अल्फा हाइड्रोजन। नेक्स्ट है, इस मॉलिक्यूल में देखिए ये पूरा के पूरा एक फंक्शनल ग्रुप है और इससे केवल हाइड्रोजन जुड़ा है, यानी यहां पर कोई कार्बन नहीं है। और जब कार्बन नहीं है तो उससे जुड़े हुए हाइड्रोजन भी नहीं होंगे। इसका मतलब इस मॉलिक्यूल में कोई भी अल्फा हाइड्रोजन
नहीं है, जैसे मैंने पिछली वाली स्लाइड में एक्सप्लेन किया है। तो ये है एक फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। सेकंड ये वाला, ये एक कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप है, पूरा के पूरा ये फंक्शनल ग्रुप है और इससे जुड़ा हुआ ये कार्बन अल्फा कार्बन और ये तीनों के तीनों हो जाएंगे अल्फा हाइड्रोजन। इसी तरह ये है बेंजल्डिहाइड, देखिए दोस्तों ये बेंजल्डिहाइड का स्ट्रक्चर है। बेंजल्डिहाइड में ये पूरा के पूरा एक फंक्शनल ग्रुप है और फंक्शनल ग्रुप पे डायरेक्टली बेंजीन अटैच्ड है। तो बेंजीन का ये जो कार्बन है इसको हम बोलेंगे अल्फा कार्बन, लेकिन इस कार्बन पे कोई भी हाइड्रोजन नहीं है। इसका मतलब इस केस में भी कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा। नेक्स्ट है बेंजोफिनोन, ये वाला देखिए दोस्तों, ये पूरा के पूरा एक कीटोन फंक्शनल ग्रुप है, ये वाला कार्बन अल्फा कार्बन, ये वाला कार्बन भी अल्फा कार्बन, लेकिन ध्यान रखें दोस्तों बेंजीन से जुड़ा हुआ जो भी कार्बन है उस पर कोई भी हाइड्रोजन नहीं होता है, इसीलिए इसके पास कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। नेक्स्ट साइक्लोहेक्सेनोन, ये वाला एक फंक्शनल ग्रुप है, ये पूरा के पूरा विद कार्बन और इस फंक्शनल ग्रुप पे ये वाला जो कार्बन है वो अल्फा कार्बन है और ये वाला कार्बन भी होगा अल्फा कार्बन और इस कार्बन से दो हाइड्रोजन अटैच्ड है और इस कार्बन से भी दो हाइड्रोजन अटैच्ड है, यानी यहां पर दो अल्फा हाइड्रोजन होंगे और यहां पर भी दो अल्फा हाइड्रोजन होंगे इस तरह से। तो इस मॉलिक्यूल में अल्फा हाइड्रोजन है। लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं साइक्लोहेक्सेनोल, इस समय फंक्शनल ग्रुप ये वाला है और अल्फा कार्बन होगा ये और इस अल्फा कार्बन से इस समय एक हाइड्रोजन अटैच्ड है, इसका मतलब इस पे एक अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो देखिए दोस्तों इन सब मॉलिक्यूल को स्टडी करने से ये पता लगता है कि अल्फा हाइड्रोजन कहां पर हो सकता है और कहां पर नहीं होगा। तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है, वही एल्डिहाइड कैनिजारो रिएक्शन देंगे जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, जैसे बेंजल्डिहाइड और फॉर्मेल्डिहाइड। चलिए तो अब कुछ कैनिजारो के मैं एग्जांपल आपको करके बताता हूं। ये देखिए दोस्तों ये बेंजल्डिहाइड है और हम जब भी कैनिजारो रिएक्शन करेंगे तो दो मॉलिक्यूल हम हमेशा लेंगे, यानी यहां पर बेंजल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल मैंने लिए और 50% NaOH एल्कली यूज कर लिया। तो देखिए दोस्तों यहां पर जो एल्डिहाइड है ये एल्डिहाइड एक अल्कोहल में चेंज हो जाएगा और दूसरा मॉलिक्यूल एक कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाएगा, इस तरह देखिए दोस्तों। तो एक एल्डिहाइड अल्कोहल में, तो अल्कोहल कौन सा बनेगा, एक कार्बन का अल्कोहल होगा बेंजाइल अल्कोहल और एक कार्बन का यहां पर एसिड बन जाएगा C(OH) इस तरह से। तो इस तरह आपको कैनिजारो रिएक्शन करनी है, यानी एक आपको अल्कोहल बनाना है और दूसरा एसिड बनाना है। सेम केस इस कंपाउंड में भी हो जाएगा, यहां पर एल्डिहाइड है इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो ये कैनिजारो रिएक्शन देगा इन द प्रेजेंस ऑफ 50% NaOH। तो ये जो एल्डिहाइड है एक मॉलिक्यूल अल्कोहल में और एक मॉलिक्यूल एसिड में चेंज हो जाएगा, बाकी ऐसा रहेगा। इस तरह आप इसको कर सकते हैं ये वाला, और यहां पर एक अल्कोहल यानी ये अल्कोहल हो जाएगा और दूसरा एसिड बन जाएगा। कई बार देखिए दोस्तों ये एसिड जो है सोडियम सॉल्ट की फॉर्म में भी होती है, यानी ये इस तरह भी लिखा होता है, तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, या तो ये इस फॉर्म में होगा या तो ये इस फॉर्म में होगा, लेकिन दोनों ही एसिड है। तो आप देख सकते हैं कि बेंजल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तभी जाके ये कैनिजारो रिएक्शन देता है, इसी तरह इस कंपाउंड में भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है इसीलिए इसने कैनिजारो रिएक्शन दी है। अब कुछ अलग टाइप की कैनिजारो रिएक्शन मैं बताता हूं जिसका नाम है इंटरनल कैनिजारो रिएक्शन। अब देखिए दोस्तों अभी हम क्या कर रहे थे, एक कंपाउंड के दो मॉलिक्यूल हम ले रहे थे, तो एक मॉलिक्यूल अल्कोहल में चेंज हो रहा था और दूसरा मॉलिक्यूल एसिड में चेंज हो रहा था, लेकिन इंटरनल कैनिजारो रिएक्शन में केवल एक ही मॉलिक्यूल होगा लेकिन उसमें दो ग्रुप होंगे। देखिए इस तरह से इसमें दो एल्डिहाइड ग्रुप है, तो आपको क्या करना है, कैनिजारो के रिएक्शन कंडीशन मैंने यहां पर लिख दिया है, एक एल्डिहाइड ग्रुप चेंज हो जाएगा अल्कोहल में और दूसरा एल्डिहाइड ग्रुप चेंज हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो इसी टाइप की रिएक्शन को हम बोलेंगे इंटरनल कैनिजारो रिएक्शन। जैसे ये ऊपर वाला आप एल्डिहाइड चेंज कर दीजिए अल्कोहल में और नीचे वाले एल्डिहाइड को आप चेंज कर दीजिए एसिड में, तो इसमें केवल एक ही मॉलिक्यूल जनरेट होगा, तो इस टाइप की रिएक्शन को हम बोलेंगे इंटरनल कैनिजारो रिएक्शन। सेम कॉन्सेप्ट इसमें भी हो जाएगा, इसमें दो एल्डिहाइड ग्रुप है, एक एल्डिहाइड ग्रुप चेंज हो जाएगा अल्कोहल में और दूसरा एल्डिहाइड ग्रुप चेंज हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो ये मैंने एल्डिहाइड ग्रुप चेंज कर दिया इस तरह से, ये अल्कोहल में, ये वाला ग्रुप चेंज हो गया अल्कोहल में और ये वाला ग्रुप चेंज हो गया एसिड में। इसी तरह इस केस में भी ये वाला अल्कोहल में
और ये वाला एसिड में। तो इसी टाइप के रिएक्शन को हम बोलेंगे इंटरनल कैनिजारो रिएक्शन। अब एक और इसका टाइप आता है क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन। अभी जितनी भी रिएक्शन हमने की उसमें एक ही टाइप का मॉलिक्यूल है, लेकिन क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन में दो अलग अलग एल्डिहाइड होते हैं। यहां पर मैंने एक फॉर्मेल्डिहाइड लिया है और दूसरा बेंजल्डिहाइड लिया है। अब देखिए दोस्तों, इस रिएक्शन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि किस मॉलिक्यूल को हम कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज करें। तो मैं आपको बता देता हूं, जब भी आप क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन करते हैं तो जो छोटा मॉलिक्यूल होता है, स्मॉल मॉलिक्यूल होता है, वो हमेशा कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज होता है, और जो बड़ा मॉलिक्यूल होता है वो हमेशा एल्कोहल में चेंज होता है। यानी बेंजल्डिहाइड इस समय बेंजाइल एल्कोहल में चेंज होगा और फॉर्मेल्डिहाइड फॉर्मिक एसिड में चेंज हो जाएगा। इस तरह से ये एक बेंजाइल एल्कोहल बन गया और ये एक फॉर्मिक एसिड में चेंज हो जाएगा। तो हमेशा फॉर्मेल्डिहाइड फॉर्मिक एसिड बनाएगा और बेंजल्डिहाइड ऑलवेज बेंजाइल एल्कोहल में चेंज होगा। तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं हो सकते हैं। तो इस तरह के रिएक्शन को हम बोलेंगे क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन। अब कैनिजारो रिएक्शन की मैकेनिज्म क्या होती है, इससे डिस्कस करते हैं। इसमें दो स्टेप होते हैं। तो सबसे पहला स्टेप है, जो हमारा कार्बोनिल कार्बन है उस पे एक न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है। ये मैंने एक फॉर्मेल्डिहाइड का स्ट्रक्चर लिख दिया है। तो यहां पर OH- एक न्यूक्लियोफाइल है, क्योंकि हमने यहां पर NaOH का यूज किया था। तो NaOH में OH न्यूक्लियोफाइल की तरह ऐड करेगा। और आपको पता है, जब भी एल्डिहाइड पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है तो वो हमेशा इस कार्बन पे होता है, क्योंकि इस कार्बन पे आने वाला है प्लस चार्ज और इस पे आने वाला है माइनस चार्ज, क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। तो अब क्या होगा, इस तरह का एक प्रोडक्ट बन जाएगा, यानी सी के नीचे OH ऐड हो गया और इस O पे माइनस चार्ज आ गया है। इसको हम बोलेंगे ए एनायन। अब देखिए दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट है, ये जो स्टेप है ये फास्ट होता है। फास्ट स्टेप का मतलब ये वाला स्टेप रेट लिमिटिंग स्टेप नहीं होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्टेप टू। अब देखिए दोस्तों, जो स्टेप टू में जो एनायन बना है ये एक हाइड्राइड डोनर की तरह काम करता है, और सेकेंड मॉलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड को हाइड्रोजन प्रोवाइड करवाता है, यानी हाइड्रोजन उसको देता है। तो मैंने यहां पर एक दूसरा फॉर्मेल्डिहाइड का मॉलिक्यूल लिख दिया है, और ये जो एनायन है उसको मैं इधर लिख दूंगा। ये वाला एनायन है और ये दूसरा फॉर्मेल्डिहाइड का मॉलिक्यूल। अब सेम कॉन्सेप्ट होगा, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर यहां होगा, इस पे प्लस चार्ज, इस पे माइनस चार्ज। अब देखिए दोस्तों, ये वाला जो एनायन है ये एक हाइड्राइड डोनर की तरह काम करेगा। तो हाइड्राइड माइनस चार्ज होता है, तो इसलिए ये चला जाएगा इस कार्बन की तरफ। अब जब ये हाइड्रोजन को डोनेट करेगा दूसरे एल्डिहाइड ग्रुप को, तो ये कुछ इस तरह बन जाएगा। देखिए दोस्तों, इसने एल्डिहाइड ग्रुप को हाइड्रोजन डोनेट किया तो नीचे आ जाएगा H और इधर आ जाएगा माइनस चार्ज, और जो एनायन है वो कन्वर्ट हो जाएगा कुछ इस तरह के मॉलिक्यूल में। अब देखिए दोस्तों, ये जो रिएक्शन हुई सेकेंड स्टेप की रिएक्शन, इसको हम बोलेंगे हाइड्राइड ट्रांसफर रिएक्शन, और ये स्लो स्टेप होता है। स्लो स्टेप का मतलब ये जो हाइड्राइड डोनर रिएक्शन हुई ये इसकी रेट लिमिटिंग स्टेप होगा। तो कई बार एक क्वेश्चन आता है कि रेट लिमिटिंग स्टेप कौन सा होता है, न्यूक्लियोफाइल के अटैक वाला या हाइड्राइड डोनर वाला। तो कैनिजारो रिएक्शन में हाइड्राइड डोनर स्टेप रेट लिमिटिंग स्टेप होता है। अब देखिए दोस्तों, जो हमारे पास प्रोडक्ट बने वो ये और ये वाला प्रोडक्ट बना। अब होगा क्या, ये एच को एक्सेप्ट करके इस तरह बन जाएगा, CH3OH एक एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये एच को एक्सेप्ट करके एक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अल्टीमेटली हमारे पास एक एल्कोहल और एक एसिड बन गया है। तो ये थी मैकेनिज्म ऑफ कैनिजारो रिएक्शन, जिसमें कि हमने दो एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल लिए और एक एल्डिहाइड का मॉलिक्यूल एल्कोहल में कन्वर्ट हो गया और दूसरा एल्डिहाइड का मॉलिक्यूल कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो गया, जैसा हम प्रीवियस स्लाइड में देखते हैं। तो ये था दोस्तों कैनिजारो रिएक्शन के बारे में। अब आपको समझ में आ गया होगा कि कैनिजारो रिएक्शन क्या होती है, कितने टाइप की कैनिजारो रिएक्शन होती है, और कौन से ऐसे कंपाउंड है जो कैनिजारो रिएक्शन को देते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसको शेयर और लाइक कीजिए, और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।